सुप्रभात बच्चों, आज हम कठिन शब्दार्थ जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सात, उनका आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है हमारा सूर्य। सूर्य का अर्थ होता है दिनकर या भास्कर। सूर्य के मैंने पहले भी आपको पर्यायवाची शब्द भेजे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको दो शब्द बता रहा हूँ जिनके अर्थ बता रहा हूँ वो ये है, सूर्य का कठिन शब्दार्थ होगा दिनकर और भास्कर। ठीक, इससे आप वाक्य भी बनाना सीखिए। जैसे दिनकर दिन के समय उगता है, भास्कर से भी बना सकते हैं। भास्कर दिन के समय हमें रोशनी देता है। ठीक, इसके बाद दूसरा शब्द है चांदनी। चांदनी का अर्थ होता है चांद की रोशनी। रात के समय जब आप चांद को देखते हैं तो उसकी जो रोशनी हमें प्राप्त होती है तो उसको हम बोलते हैं चांदनी, यानी चांद की रोशनी। तीसरा शब्द है हवा। हवा का अर्थ है पवन या समीर, ये सभी जानते हैं पवन और समीर। चौथा शब्द है हमारा खबरदार। खबरदार यानी सावधान या चौकन्ना। ठीक, जैसे हम किसी को कहें खबरदार यहां मत जाना, खबरदार वहां मत जाना, यानी हम उसको चौकन्ना या सावधान करते हैं। इसके बाद है पांचवा शब्द जलधार। जलधार हो जाएगा जल की धारा, यानी जब भी हमारा नदियों से पानी जब गिरता है उसकी धारा बन के नीचे गिरती है, या बादल जब भी अपने पानी बरसाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जलधार, यानी जल की धारा। छठा शब्द है भैया। भैया को हम क्या बोल सकते हैं, भाई या भ्राता। भ्राता एक संस्कृत शब्द है जो भाई का अर्थ बताएगा। सातवां शब्द है अम्मा। अम्मा यानी माँ या माता। तो आज जो हमने सात शब्द आपको सिखाए इनसे आप वाक्य बनाकर हमें दिखाना। धन्यवाद।